का जो आपने टॉपिक पढ़ा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IS-16 से इससे कनेक्ट करेंगे और वहीं से फिर आगे हम इसको लेके चलेंगे। IS-16 के बारे में मैं कल भी बता रहा था कि FR-1 में ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसमें से सवाल आपको ज़रूर आएगा। कंपलसरी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड में से आएगा, तो वी विल टेक लॉट ऑफ टाइम इस टॉपिक को हम देंगे क्योंकि हमें पता है कि इसमें से सवाल इन एनी केस एग्जाम में आना ही आना है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने समझ के। मैं भी कोशिश करूँगा कि पूरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप उस पर ग्रिप आपको आए और मेक श्योर कि ये आपका टॉपिक आपकी ग्रिप में आ जाए क्योंकि इसमें सवाल आपको ज़रूर आना। ठीक, टॉपिक हम शुरू करेंगे जनाब IS-16। तो सबसे पहले जनाब व्हाट आर दे, क्या होते हैं ये? जी सर, व्हाट आर दे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ले जनाब IS-16 जब इसको डिफाइन करते हैं तो कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है दे आर सबसे पहले टेंजिबल नॉन करंट एसेट। टेंजिबल नॉन करंट एसेट इसका मतलब है कि ये इसको डिफरेंशिएट करता है किससे? इनटेंजिबल। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि पीपी जो है ये टेंजिबल एसेट्स को डिस्कस करने जा रहा है, और कौन से एसेट? जो कि नॉन करंट। अब आप जब टर्म यूज करते हैं टेंजिबल, इसका मतलब ये है कि हम ऐसे एसेट्स की बात कर रहे हैं जिनकी फिजिकल सब्सटेंस जो मैथ्स रखते हैं जो आपको नजर आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें इस रूम के अंदर, तो हम बात कर रहे हैं फिक्सचर की, हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की, फर्नीचर की, इक्विपमेंट की। ठीक, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट का मतलब क्या है कि हम ऐसे एसेट्स की बात करने जा रहे हैं जिनसे एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिलेंगे वो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेंगे। 12 माह से ज़्यादा अरसे तक एसेट बेनिफिट देगा एंटिटी को, इसलिए ये क्या है? ये नॉन करंट एसेट। सो टेंजिबल नॉन करंट एसेट हेल्ड बाय एन एंटिटी। एंटिटी के पास ये क्यों है? पर्पस क्या है इनको रखने का बिजनेस के पास? तो हम कहते हैं हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नंबर 1 प्रोडक्शन करने के लिए। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? हम कहते हैं इसकी एग्जांपल प्लांट जो है। ठीक, इसकी एग्जांपल फैक्ट्री बिल्डिंग जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, वहां पर पड़ा प्लांट है जो कि यूज कर रही है एंटिटी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जिन चीजों को बिजनेस डील करता है, जिसमें बिजनेस कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए, ठीक, रिटेलर तक पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज रेंडर करने में जो आप टेंजिबल नॉन करंट एसेट यूज कर रहे हैं, जैसे इस कॉलेज को आप देख लें, ये सारी जितने भी आपको टेंजिबल चीजें नजर आ रही हैं, द कॉलेज इज यूजिंग देम टू रेंडर द सर्विसेज। ठीक, आपको लेक्चर कोर्स पढ़ा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं आपको, और ये सारी चीजें जो हैं ये इस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज हो रही हैं। सब चीजें मिलकर जो है वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में एंटिटी को क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग देम बेनिफिट टू जनरेट द फी। फी इज द इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आप इस कॉलेज को एग्जाम्पल बनाएं तो इनका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? द फी दैट यू आर पेइंग। इन ऑर्डर टू रिसीव दैट फी उन्हें क्या करना पड़ा है? एक टीम ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट जो है उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, फिक्सचर है, इक्विपमेंट है, एसी है, सब मिले हुए, और ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? एंटिटी के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहे हैं, और वो क्या है? नेचुरली फी। गेटिंग द पॉइंट? ठीक, सो इन टेंजिबल नॉन करंट एसेट प्रोडक्शन में जो यूज हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहे हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में यूज हो रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहे हैं। बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन में जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट यूज हो रहे हैं वो भी IS-16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि एक बिजनेस है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो लाहौर से बाहर है, लेकिन उसका हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में हो गया। अब उस हेड ऑफिस की बिल्डिंग, वहां पे पड़े तमाम इक्विपमेंट,
वो सारे किस स्टैंडर्ड में फॉल करेंगे? तो फॉल इन IS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में जो यूज हो, उनके अकाउंटेंट के पास जो गाड़ी है, जो लैपटॉप है, जो कंपनी ने दे रखे हैं, वो सारे किस में फॉल करेंगे? IS 16 में. डायरेक्टर्स के पास जितनी भी टेंजिबल चीज़ें, जो आप उसको आपने गाड़ी दे रखी है या उसके ऑफिस में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, वो सारी एंटिटी के मुताबिक बैलेंस शीट में किस स्टैंडर्ड में फॉल करेंगी? IS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट. और लास्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट? हम कहते हैं जनाब, फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर रेंटल टू अदर्स. और जो आपने रेंट पे देने के लिए दे रहे हैं, ठीक. लेकिन यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि हम जब लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो बिजनेस भी क्या होगा, जिसका बिजनेस भी ये है कि वो चीज़ें रेंट पे देते हैं. जैसे अगर आप एक रियल इस्टेट कंपनी की रेन में लेकर आए, तो उसके पास जितने फ्लैट्स हैं या जितने भी घर हैं उसके पास, वो जो उधर से रेंट आ रहा है, वो सारी उसकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो सारी किस में फॉल करेंगी? IS 16 में फॉल करेंगी, ठीक. इसी तरह अगर एक रेंट अ कार का बिजनेस है, तो उसके पास जितनी कार्स हैं, वो किस में फॉल करेंगी? IS 16 में फॉल करेंगी. सो फॉर रेंटल टू अदर्स, ठीक. अब इस सारी डेफिनेशन को अगर हम सम अप करें, तो हम कहते हैं ये क्या बात क्या चल रही है. तो हम कहते हैं जी, IS 16 उन टेंजिबल नॉन करंट एसेट की बात कर रहा है जिनको एक बिजनेस यूज करता है इन जनरेटिंग देयर प्रिंसिपल रेवेन्यू. प्रिंसिपल रेवेन्यू मीन जो उनका मेन बिजनेस है, जहां से उसको सेल्स जिस चीज़ की कर रहा है, उस सेल्स को जनरेट करने के लिए जितने भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट यूज हो रहे हैं, वो किस में फॉल करते हैं? वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फॉल करते हैं. वो अगर बिल्डिंग है, वो लैंड है, वो प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो व्हीकल है, वो कंप्यूटर है, वो सारी चीज़ें जो कि इस मकसद के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ हो रही हैं कि वो बिजनेस के प्रिंसिपल रेवेन्यू, जो उसकी सेल है, उसको जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, वो सारे किस स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में फॉल करते हैं? PPE की डेफिनेशन में फॉल कर दे. सो दे आर द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ये आपने याद रखना है, क्योंकि कई चीज़ें जो हैं, अगर आपको पेपर में आए और एक इनटेंजिबल एसेट यूज हो रहा होगा, जैसे कोई लाइसेंस है, वो भी यूज़ हो रहा होता है बिजनेस के. आप लाइसेंस इज अ परमिशन टू कंडक्ट अ बिजनेस, तो वो लाइसेंस इसमें फॉल नहीं करेगा. हालांकि वो भी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं फॉल करेगा इसके अंदर? क्योंकि वो टेंजिबल नहीं है. दैट इज़ नॉट अ टेंजिबल. इसका मतलब IS 16 उसको डील नहीं करेगा. IS 16 के रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे. IS 16 के रूल सिर्फ उन टेंजिबल नॉन करंट एसेट पे अप्लाई होंगे जो बिजनेस की मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज हो, ठीक होगी बात. इसके बाद आप हम इस स्टैंड को थोड़ा सा आगे लेके चलते तो हमारे पास सबसे पहले आएगा डेफिनेशन और हेडिंग, रिकग्निशन क्राइटेरिया. रिकग्निशन, एंटिटी ने अपनी बुक्स में एक टेंजिबल रिसोर्स को कब PPE के तौर पर लिख लेना, बुक कब करना, वेन टू रिकग्नाइज, ठीक. क्या है जनाब ये क्राइटेरिया, रिकग्निशन क्राइटेरिया, क्या किसी को याद? एनीवन? ठीक हो गया जनाब. दो लाइन्स हैं, टू लाइन्स जो आपने याद रखनी है. जब भी हम किसी कोई ऐसा स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे जो एसेट फैमिली से रिलेट करता है, वहाँ पर ये दो लाइन्स आपको ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि एसेट का रिकग्निशन का क्राइटेरिया हर स्टैंडर्ड में सेम. और वो क्या है? नंबर वन, ये लाइन्स आपने याद रखनी है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आती है. वेन इट इज़ प्रोवेबल, लिख लें अपने पास. नंबर वन, वेन इट इज़ प्रोवेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, when it is probable that economic benefit will flow to the will flow to the entity. Number one, then it is probable that economic benefits will flow to the
एंटिटी नंबर वन. सेकंड, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल. ये दो लाइंस जो है ये आपने आइंदा अपनी परमानेंट डिक्शनरी जो है ना मेमोरी की उसमें डाल लेनी, ये भूलनी नहीं है दोबारा. व्हेन इट इज प्रोबेबल, कभी भी कोई भी एसेट अगर किसी एंटिटी ने बुक करना है अपनी बुक्स के अंदर, ये दो लाइंस कंपलसरी. कोई इकोनॉमिक रिसोर्स एंटिटी का एसेट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये दो लाइंस उस पर एप्लीकेबल ना हो. आप सादा सी बात याद रखें, ठीक है. हमने कल एसेट को डिफाइन किया, हमने कहा जी एसेट क्या होता है, तो हमने कहा जनाब एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स जिससे एंटिटी को क्या मिले, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, ठीक. अब एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसी एक रिसोर्स से कब मिलेंगे, तो हमने कहा जब उसका उस पर कंट्रोल हो, देन द एंटिटी हैज ए कंट्रोल. तो हमने उसको स्क्वीज कर दिया डेफिनेशन को, हमने कहा जी एसेट की डेफिनेशन है कंट्रोल्ड इकोनॉमिक रिसोर्स, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि बिजनेस के एंटिटी के कंट्रोल में है वो एंटिटी के एसेट्स कहलाते, ठीक. अब आप देखें इस लाइन को, I-16 जो आपको लाइन दे रहे, कहते हैं व्हेन इट इज प्रोबेबल. अब नाउ लुक एट द वर्ड प्रोबेबल, ठीक. अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्स है जनाब, फॉर एग्जांपल कार, एक कार रिसोर्स, ठीक. उससे बेनिफिट आपको ही मिलेंगे, ये आप किस तरह, आप क्या सिचुएशन होगी जो आप कहेंगे हाँ जी ये अब बेनिफिट गाड़ी से मुझे ही मिलेगा. ऊबर चलाते तो रोज़ाना के पैसे आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन किस वक्त आप सर्टन होंगे कि इस गाड़ी के बेनिफिट आपको ही मिलेंगे, कहेंगे जब हम इसको ओन करें, ठीक. तो कई गाड़ियां बैंक ओन करता है लेकिन उसके बेनिफिट बैंक को तो नहीं मिलते. लाहौर में आधी से ज़्यादा गाड़ियां बैंक से ओन करते होंगे, लीज पे चल रही है ना सारी गाड़ी. अगर आप एग्जांपल लें 10 गाड़ियों का, पता लगेगा 5 बैंक ओन करते हैं लेकिन उसको चला कोई और रहा था, आ जा कोई और रहा, बेनिफिट कोई और ड्राइव कर रहा था, ठीक. इसका मतलब प्रोबेबल कब होता है, व्हेन इट इज प्रोबेबल. प्रोबेबल मीन्स व्हेन यू आर सर्टन, आपको पता है ये बेनिफिट हमें ही मिलने हैं, ठीक. ये किस वक्त होगा, क्या इंडिकेशन है उस चीज़ की कि हम ये कह सकें हाँ ये बेनिफिट इस चीज़ से अब एंटिटी को ही मिलेंगे. तो हम कहते हैं जनाब नॉर्मली हमने कल वर्ड यूज़ किया, तो हमने कहा जनाब प्रोबेबल उस वक्त होगा जब एंटिटी डेमोंस्ट्रेट कर सकेगी कि उस इकोनॉमिक रिसोर्स पे एंटिटी का कंट्रोल, जब एंटिटी ये चीज़ बता सके, डेमोंस्ट्रेट कर सके कि जनाब वी हैव अ कंट्रोल ऑन एन इकोनॉमिक रिसोर्स. अब हम ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक रिसोर्स जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ये एक टेंजिबल रिसोर्स, इससे बेनिफिट आपको ही मिलेंगे. कंट्रोल किस वक्त आप कह सकते हैं नाउ इट इज इन आवर कंट्रोल, जब आप ओन करते हैं या जब ये आपके पोजेशन में, लॉफुल पोजेशन में. तो हम कहते हैं ये यहाँ पर चूंकि ये टेंजिबल है तो सिर्फ ओन करना जो है वो काफ़ी नहीं है, इट शुड बी इन द पोजेशन ऑफ द एंटिटी, लॉफुल पोजेशन होना चाहिए. और अगर वो एंटिटी उसको ओन नहीं भी करती लेकिन एंटिटी के पास पोजेशन है उसका लॉफुल, तो बेनिफिट कौन ले रहा होगा, एंटिटी ले रही है. तो एसेट किसका होगा, तो हम कहते हैं एसेट एंटिटी का होगा. यहाँ पर स्टोरी ये है कि व्हेन इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल उस वक्त होता है, आपने हमेशा ये याद रखना है, व्हेन एन एंटिटी हैज अ कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक रिसोर्स. अब अगर मैं टेंजिबल एसेट की बात कर रहा हूं तो कंट्रोल कनेक्टेड है विद द पोजेशन, क्या वो चीज आपके कब्जे में हो, लॉफुल पोजेशन, उसको सिर्फ आप यूज कर सकते हैं. और अगर कोई दूसरा यूज करे तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, भैया आप कैसे यूज कर सकते हैं, मेरी प्रॉपर्टी आप किधर आ रहे हो, मैं आपके खिलाफ केस कर दूँ, आप मेरे घर के अंदर आए कैसे, प्रॉपर्टी मेरी, आप यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ पे तो मैं ही रह सकता हूँ, इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरे पोजेशन में, इसको मैं ओन करता हूँ, साथ साथ ये मेरे पोजेशन में, आप कैसे इधर आ, इन्वेडर है, ऐसे ही है ना. इसी तरह आपकी गाड़ी है जनाब, आपके नाम पे भी है, ओनरशिप भी है आपकी, लेकिन अगर आप किसी को किराए पर दे दें जनाब ये आप चलाएं, इसका मतलब अकाउंटिंग ये कहती है कि जनाब
रिसोर्स उसका है जो उससे बेनिफिट ले, वो उसकी बुक्स में एसेट बनेगा जो उस रिसोर्स से बेनिफिट ले। ठीक। अब अगर आप देखें तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट में कंट्रोल किस वक्त होगा? हम कहते हैं दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पे, ओनरशिप और दूसरा है हमारे पास पोजेशन, लॉफुल पोजेशन। अगर मैं आपसे कहूं कंट्रोल किसके साथ कनेक्टेड है यहां पे, ओनरशिप के साथ या पोजेशन के साथ? तो हम कहेंगे जनाब पोजेशन के साथ, क्योंकि इसकी एग्जांपल हमें मिलती है लीज गाड़ी की सूरत। बैंक जब गाड़ी लीज पे कराता है, किसी को देता है, तो उसका लॉफुल ओनर बैंक होता है, लेकिन उसके बेनिफिट कौन ले रहा होता है? जिसके पास वो गाड़ी है। यहां से हमें एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने आईएएस इंट्रो में भी पढ़ा, लेकिन आज आप दोबारा अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो आपको और समझ आएगी। और वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। याद आया? आपको सुना होगा, याद तो नहीं किया होगा लेकिन सुना जरूर होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, किसी को याद है क्या होता है? एनीवन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म मुझे लगता सुना भी नहीं किसी ने। ठीक हो गया जनाब। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, अब ये बड़े गौर से ये याद रखनी है डेफिनेशन, ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसकी कोई खास रीजन होगी। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स मतलब जो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं बिजनेस में, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर आपने उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, शुड बी अकाउंटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक रियलिटी, नॉट मेरली द लीगल फॉर्म। याद रखनी है, कहते हैं आपने जब ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है तो आपने उस ट्रांजैक्शन और इवेंट की इकोनॉमिक रियलिटी भी देखनी है, सिर्फ उसकी लीगल फॉर्म पे नहीं जाना आपने, नॉट मेरली द लीगल फॉर्म। बस लीगल फॉर्म पे ना जाए, आप उसकी कमर्शियल रियलिटी भी देखें, उसकी इकोनॉमिक रियलिटी भी देखें। ठीक। अब आप देखें, जब आप कहते हैं जनाब कि बैंक ने गाड़ी लीज पर दे दी, तो उसकी उस ट्रांजैक्शन की लीगल जो रियलिटी है वो ये है कि बैंक ओन द कार, लीगली तो गाड़ी बैंक की है। ठीक। लेकिन उस ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि उस गाड़ी का बेनिफिशियरी कौन, उस गाड़ी से बेनिफिट किसको मिल रहा है। ठीक। अब जिसको उस गाड़ी से बेनिफिट मिल रहे हैं, ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस ये कहती है एसेट्स बिलोंग टू दैट पार्टी। बैंक अपनी बुक्स में कार को एसेट नहीं रिकॉर्ड कर रहा होगा, बैंक अपनी बुक में रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहा होगा, जो उसने रिसीव करने हैं पैसे फ्यूचर में उससे जिसको उसने गाड़ी का पोजेशन दे रखा है। और जिसके पास गाड़ी का पोजेशन है उसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है एसेट कार, और साथ में लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है कि उसने बैंक के पैसे देने। समझ आ रही बात? अब ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो किसके गिर्द घूमता है, दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब अगर आप यहां पर देखें, इस लाइन को देखें, तो इसके अंदर भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म का रेफरेंस। सो व्हेन इट इज प्रोबेबल, फिर आप जब ये प्रोबेबल हो जाए कि बेनिफिट आपको ही मिलेगा, अब जेन में सवाल ही आता है प्रोबेबल कब होगा, व्हेन इट इज प्रोबेबल, कब प्रोबेबल होगा, कब हम सर्टन होंगे कि बेनिफिट हमें मिलेंगे। ठीक। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि इन केस ऑफ आईएएस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिकॉज दे आर टेंजिबल, प्रोबेबल उस वक्त होगा व्हेन एन एंटिटी हैज अ कंट्रोल एंड द कंट्रोल विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द लॉफुल पोजेशन। देखिए, अगर आपके पास ओनरशिप भी है तो पोजेशन भी है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना, फिर तो कोई मसला ही कोई नहीं। ओनरशिप भी आपकी, पोजेशन भी आपका, नो इशू। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्वेश्चन ही नहीं आया यहाँ। लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म उस वक्त एक्टिव होगा जब ये सूरत हाल होगी कि जनाब ओनरशिप किसी और की है और पोजेशन किसी और का। अब जेन में सवाल ये आएगा कि भाई एसेट किसका है, उसका जिसकी ओनरशिप है या उसका जिसके पास पोजेशन? तो हमें स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि एसेट उसका है जिसके पास
लॉफुल पोजेशन है जिसके पास। अब हम कहते हैं ऐसा क्यों है, तो हमने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने बेसिक फ्रेमवर्क में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। वहां पर हमें ये बता दिया गया था कि अगर ट्रांजैक्शन कोई ऐसी आ गई है जिसकी लीगल फॉर्म और कमर्शियल रियलिटी, इकोनॉमिक रियलिटी में डिफरेंस पाया जाता है, तो आपने उसकी इकोनॉमिक रियलिटी भी देख ली है, सिर्फ लीगल फॉर्म पे नहीं जाना आप। गेटिंग द पॉइंट? सो व्हेन वी से द प्रोवेबल, इट मीन्स द कंट्रोल, और इन केस ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट कंट्रोल मीन्स लॉफुल पोजेशन, कंट्रोल मीन्स ऑनरशिप एज वेल। लेकिन हम कहते हैं देर आर सर्टन ट्रांजेक्शन वेयर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑनरशिप एंड द लॉफुल पोजेशन। तो फिर भी हमने किस पे जाना है, हमने देखना है कि लॉफुल पोजेशन किसके पास। तो प्रोबेबल को जनरली जब आप इस वर्ड को देखते हैं तो बड़ा आपने याद रखना है कि अकाउंटिंग में, रिपोर्टिंग में हम चार वर्ड यूज करते हैं टू रेफर अ फ्यूचर इवेंट। क्या एक फ्यूचर इवेंट होगा, फ्यूचर में एक इवेंट होगा या एक ट्रांजैक्शन होगी, उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको रेफर करने के लिए हम चार तरह के लफ्ज यूज करते हैं, ये या आपने याद रखे। एक को हम कहते हैं वर्चुअली सर्टन, वर्चुअली सर्टन 100% इसको कहते हैं, जनाब हमें 100% जो रह गई होगा, इसको हम कहते हैं वर्चुअली सर्टन। सर्टन तो पता ना आपको, तो वर्चुअली सर्टन। देन ये लफ्ज आएगा प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट 100%, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 95% से ज्यादा, तो इट्स ऑलमोस्ट 100%, इसको हम कहते हैं ये प्रोबेबल। टिपिकल वर्ड है, याद रखते हैं, आपने बार बार यूज करेंगे अपने लेक्चर के अंदर प्रोबेबल। फिर आगे आएगा एक वर्ड एंड दैट इज पॉसिबल, मे और मे नॉट, एक इवेंट हो भी सकता है और एक इवेंट नहीं भी हो सकता, इसको हम कहते हैं पॉसिबल इवेंट। और इसके बाद चौथा वर्ड है उसको हम कहते हैं रिमोट। इसका मतलब है जब किसी इवेंट को हमने ये बताना होगा ये नहीं होना, तो हम कहते हैं इट्स अ रिमोट इवेंट। जब हमने ये कहना हो कि दिस फ्यूचर इवेंट इज नॉट गोइंग टू बी अकर, तो हम ये लाइन बोलने के बजाय कहते हम कहते हैं दिस इज अ रिमोट इवेंट। अब इस लाइन का भी यही मतलब है जो मैं पहले बोल, ये नहीं होना, ठीक। और जब मैं ये कहना चाहूँ कि एक इवेंट के होने और ना होने के चांसेस इक्वल हैं, तो आई विल से इट इज अ पॉसिबल इवेंट, ठीक। और जब मैं ये कहूँ कि एक इवेंट के होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू ना होने के, तो आई विल से इट्स अ प्रोबेबल इवेंट। और जब मैं कहूँ 100% कोई डाउट ही नहीं है कि ये नहीं होगा, तो आई विल से दैट इट्स अ वर्चुअली सर्टन। समझ आ गई बात? तो यहां पर हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हेन इट इज प्रोबेबल, तो वी आर 95% ज्यादा सर्टन है कि जनाब बेनिफिट हमें मिलेगा, वी आर वेरी मच सर्टन दैट वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। और वो कैसे सर्टन है, बिकॉज वी हैव अ कंट्रोल। कंट्रोल हमारे पास कैसे है, बिकॉज वी हैव एन ऑनरशिप और द लॉफुल पोजेशन, इट गिव्स द एंटिटी कंट्रोल। अब आपने वर्ड याद रखना है कि जब कभी पेपर में आपके पास कोई सिचुएशन आ जाए कि आपको लगे कि एसेट रिकग्नाइज होना है या कि नहीं होना, उसका एक ही लिटमस टेस्ट है, हिस्ट्री में पढ़ते ना हम लिटमस, एक ही टेस्ट है उसका, और वो क्या है कि क्या एंटिटी कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर किसी रिसोर्स की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के कंट्रोल एंटिटी के पास है, तो वो रिसोर्स, वो एसेट किसका है, वो एंटिटी, ठीक है। याद रख, किसी भी सिचुएशन में आपने जब एसेट के ऊपर बात करनी है, तो आपके पास आर्गुमेंट जो है, बेसिस जो है आपकी कि जी ये एसेट है या नहीं है, वो ये सबसे पहली लाइन। जरा सा भी अगर आप देखते हैं कि देर इज ए डाउट रिगार्डिंग द कंट्रोल, तो एंटिटी एसेट नहीं रिकग्नाइज कर सकती, ये याद रखना, ठीक। मतलब अगर आपके पास, आप कहते हैं बैंक ने आपको गाड़ी दी हुई फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बैंक आप कहता हो भाई लोरो बाहर नहीं जाएगी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगी बस, इसके अलावा ये फलां बंदा चलाएगा और कोई नहीं चलाएगा, यही इस रूट पे चलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं चलेगी। वो कह रहे हैं भाई ये तो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ही नहीं है, ये तो हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इसका मतलब है इसके तमाम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो तो नहीं हमें मिल रहे, ये तो हमें बता रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं ऐसे ऐसे होगा, इसका मतलब है कि ये वाली लाइन नहीं अप्लाई हो रही, इसका मतलब है वो फिर गाड़ी उसकी नहीं है जिसके पास, बिकॉज उसका पोजेशन
जो है वो रिस्ट्रिक्टेड पोजेशन, उसके तमाम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो उसको नहीं मिल रहे। इसका मतलब है दैट रिसोर्स डजेंट बिलोंग्स टू दैट पार्ट, वो उसका एसेट नहीं है, उसके बुक्स में वो एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये आपने ये फर्स्ट लाइन जो है ये हर दफा आएगी, जब भी हम एसेट पढ़ रहे होंगे ये लाइन आएगी। इसके बगैर, इसकी कंप्लाइंस के बगैर एक रिसोर्स एंटिटी का एसेट नहीं हो सकता। या आपने अपने जेहन में बात आज प्रिंट कर ले, पेपर में डिस्कर्सिव सवाल आए, एमसीक्यू आए, एसेट के बारे में बात हो रही हो, इसके बगैर नहीं हो सकता। अगर ये लाइन अप्लाई नहीं हो रही, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी लाइन पे आपने जाना ही नहीं। कॉस्ट मेजरेबल है या नहीं है वो एक दूसरी बात, लेकिन अगर ये लाइन अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है फर्दर आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट प्रोबेबल। इफ दे आर नॉट प्रोबेबल, इट इज नॉट एन एसेट ऑफ द एंटिटी। ठीक, और हम कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं? आई एस 16, और आई एस 16 में हम बात कर रहे हैं पीपीई की, और चूंकि टेंजिबल है तो हम कह रहे हैं कि यहां पर कंट्रोल के लिए पोजेशन इज नेसेसरी। ये याद रखना, अगर आपको ये बताया जाए कि एक गाड़ी है एंटिटी की ओनरशिप में है, लेकिन उसको इस्तेमाल कोई और करता, ठीक, लेकिन ओनरशिप एंटिटी का, तो क्या वो गाड़ी एंटिटी के बुक्स में आएगी? तो हम कहते हैं वो नहीं आएगी, बिकॉज इट इज नॉट इन द पोजेशन ऑफ द एंटिटी। ठीक, तो ये आपने छोटी छोटी बातें जो है वो पेपर में याद रख ली है। इसके बाद ना द नेक्स्ट लाइन, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। तो एसेट की कॉस्ट जो है वो मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक, मेजरेबल इन द सेंस कि आप उसको ट्रेस कर सकते हो कि जी ये जो एसेट हमने कंस्ट्रक्ट किया है या हमने परचेज किया है इसमें कितने पैसे लगे हैं हमारे, ठीक, ये इतने का खरीदा, इस पर एडिशनल इतने पैसे लगे, तो आपके अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो इस काबिल हो कि वो उसकी कॉस्ट को क्या कर सकता हो, ट्रेसेबल। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब बिजनेस की वो आपने सुना होगा गुडविल, दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल ये होती है जो बिजनेस ने खुद से इस्टेब्लिश की है ओवर द ईयर्स। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार ये सैमसंग का जो ब्रांड है एस ब्रांड, इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या है इसकी, इस पर कितने पैसे लग गए होंगे उनके? तुम कहते उन्होंने इस पर कोई पैसे लगाए ही नहीं, वो तो पैसे लगा रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे, क्वालिटी इंश्योरेंस पे, एस ब्रांड पे तो कोई पैसे नहीं लगा रही, ये तो ओवर द ईयर इस्टेब्लिश हो गया, ऐसे ही ना, पहला एस वन आया, एस टू आया, एस थ्री आया, एस फोर, ओवर द ईयर ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन अगर आप 15 साल पीछे चले जाएं तो अब उस वक्त हम ये सवाल उठाएंगे एस ब्रांड की क्या वैल्यू, तो हम कहते हैं कोई वैल्यू नहीं। आज हम 15 साल बाद ये देखते हम कहते हैं यार बड़ी वैल्यू है, लेकिन क्या वैल्यू, वो ट्रेसेबल नहीं है। सैमसंग के अकाउंटिंग सिस्टम में जाके आप उनसे पूछेंगे यार इस पे किस पे कितने पैसे लगे, कोई पैसे नहीं, हमने तो इस पे कोई पैसे लगाए नहीं, तो कॉस्ट मेजरेबल नहीं है। एसेट जरूर है, उस ब्रांड से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें नजर आ रहा है कि यार अगला मॉडल जब एस का लॉन्च होगा तो जनाब इतने की सेल तो कन्फर्म, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, बट इट इज नॉट मेजरेबल, कॉस्ट उसकी मेजरेबल नहीं है। तो आईएस फ्रेमवर्क ये कहता है कि ऐसे रिसोर्स जो कि ओवर द ईयर आपके पास सम हाउ इस्टेब्लिश हो गए, जैसे ब्रांड है या गुडविल है, लेकिन आप उसकी कॉस्ट मेजर नहीं कर सकते, तो उसको आप बुक्स में एसेट रिकग्नाइज नहीं करें, यू कैन नॉट रिकग्नाइज इट एज एन एसेट। नहीं, वैसे भी इंटेंजिबल, मैं उसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो क्यों नहीं एसेट बनती परचेज इंटरनली जनरेटेड गुडविल, क्योंकि उसकी कॉस्ट मेजरेबल नहीं होती, दैट इज नॉट अ मेजरेबल कॉस्ट। ठीक, तो ये आपने याद रखना है कि कॉस्ट अगर मेजरेबल ना हो तो तब भी हम रिसोर्स को एंटिटी का एसेट रिकग्नाइज नहीं कर रहे। देयर इज अ फ्यू एक्सेप्शन बट अभी आपके सिलेबस में नहीं। सो रिमेंबर द टू लाइन, व्हाट इज अ रिकग्निशन क्राइटेरिया से मुराद क्या होता है, कब ये एसेट बुक्स के अंदर आप उसको बिजनेस की बुक्स के अंदर एज एन एसेट रिकॉर्ड कब करेंगे। ठीक, दिस इज अ रिकग्निशन क्राइटेरिया, और वो दो लाइंस तो वो याद रखनी है आपने, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल, सो दैट इज द टू लाइंस, रिमेंबर द टू गोल्डन लाइंस, ये पेपर में अक्सर आपको आएंगे, FR1 में, FR2 में, फाइनल में, ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा
इट विल कम अक्रॉस अगेंस्ट यू, आपको यही अप्लाई करना होगा। डिस्कशन आप कर रहे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप लेटर लिख रहे होंगे और आप अपने बॉस को, सीएफओ को ये बता रहे होंगे कि भाई ये एसेट है, तो आपको रेफरेंस इसी का देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट बनेगी तो वो इन दो लाइंस की एप्लीकेशन के बगैर नहीं बनेगी। अगर आप कहेंगे कि ये एसेट नहीं है, तब भी आपको यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो ये दो लाइंस को कंप्लाई नहीं कर रही, इसलिए वो एंटिटी का एसेट नहीं। ठीक हो गया, आर्गूमेंट ये है हमारा, जब हम जस्टिफाई करेंगे कि एक चीज एसेट है या एसेट नहीं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट फर्दर। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, इनिशियल मेजरमेंट हेडिंग है हमारे पास स्टैंडर्ड की नेक्स्ट, एंड दैट इज इनिशियल मेजरमेंट। ले लो, तो इनिशियली मेजर किस पे करें, मतलब आपने लिख लिया जी पीपीई डेबिट, कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, लैंड बिल्डिंग प्लांट इक्विपमेंट व्हीकल कोई भी उसका नाम है, लेकिन वो फैमिली एक ही है, एंड दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हमने इसको डेबिट कर दिया, अब हमें पता है जी ये चूंकि एसेट है, ये डेबिट ही होगा। ठीक, ऐसे डेबिट होते, एसेट्स आर डेबिट फैमिली, तो पीपीई डेबिट। अब अकाउंटेंट साहब ये सोच रहे हैं कि इसके आगे अमाउंट क्या लिखना, मॉनिटरी अमाउंट क्या आएगी इसके। ठीक, अब आई 16 आपको इस पर गाइडलाइन देता है, जनाब ये आपने जब इसके आगे अमाउंट लिखनी है तो अब आपने ये कैसे डिटर्मिन कैसे करनी, हाउ टू डिटर्मिन दिस अमाउंट, इस पर गाइडलाइंस वो आपको बता रहा, और ये आपने फॉलो करनी। क्या है जनाब वो गाइडलाइंस, तो हमने इंट्रो में भी पढ़ी। ठीक, हमें ये बताया गया कि ये अमाउंट जो है ये क्या है, ये कॉस्ट है। पीपी शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट, ये कॉस्ट पे मेजर। फिर आए 60 हमें बताते कॉस्ट मींस व्हाट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट से मुराद क्या है, हम इसका मतलब क्या ले रहे हैं, कॉस्ट क्या होती है। ठीक, अब वो आपको इसको आगे खोलता हूँ, कहते हैं कॉस्ट मींस परचेज प्राइस। अगर आपने एक एसेट परचेज किया, फॉर एग्जांपल प्लांट खरीद, कह रहे आप जितने का खरीदा, कॉस्ट मींस परचेज प्राइस। ठीक, कह रहा फिर इसमें से आप माइनस कर लें परचेज प्राइस माइनस इफ देर इज एनी ट्रेड डिस्काउंट, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल रही है तो वो आप माइनस कर लें। मतलब लिस्ट प्राइस अगर 10 लाख की है, उसमें 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 89 की मिल रही है, ये लिस्ट प्राइस तो 10 लाख है, लेकिन हम आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 20,000, तो अब आपने परचेज प्राइस किस पे लिखनी है, नेट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट। अब आपने ये याद रखना है, स्टूडेंट एक नॉर्मल कॉमन मिस्टेक करते हैं, दे कंफ्यूज द ट्रेड एंड द सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड सेटलमेंट डिस्काउंट जी सर, और कोई सर, एनीवन एल्स, नहीं ये नहीं उल्टा हो गया, ट्रेड डिस्काउंट इज अ बार्गेन परचेज, मतलब आप जो बार्गेन करके एट द टाइम ऑफ बाइंग आप रिडक्शन इन प्राइस इज अ ट्रेड डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो अर्ली पेमेंट से रिलेट करते, मतलब आप वो टाइम से रिलेट कर, मतलब अगर आपको एक जिसे आप बाय कर रहे हैं चीज, वो आपको कहता है जनाब आपने एट द टाइम आप वो चीज़ है 10,000 रुपये की, आपने कहा जनाब अगर मैं 5 लूँ तो कितने की दोगे, उसने कहा जनाब तुम ऐसा करो तुम 9.5 दे देना, अब 5 ज़रब 9.5, 500 पर आइटम आपने ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। आप परचेज टू पेएबल किस पे बुक करेंगे, 9,500 रुपये। अब वो जनाब हफ्ते बाद आपको फोन करता, कहता है अगर तुम अगले 2 दिन में पेमेंट करो तो मैं 100 रुपये और छोड़ दूंगा पर प्रोडक्ट। अब वो जो 100 रुपये एक प्रोडक्ट पे छोड़ा आपको, किस वजह से छोड़ रहा है, अर्ली पेमेंट की वजह से छोड़, अर्ली पेमेंट की कंसिडरेशन जो होती है वो डिस्काउंट होती है, उसको हम कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक, ये याद रखना, और सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं आपने यहां से माइनस करनी, देयर इज ओनली अ ट्रेड डिस्काउंट। पेपर में दोनों डिस्काउंट्स गिवन होती है, अक्सर एग्जामिनर यही करता है,
ट्रेड भी दे देगा, सेटलमेंट भी दे देगा, बच्चे दोनों ही माइनस करके आ जाते। सो मेक श्योर इट इज जस्ट अ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, नहीं भी समझ आई लेकिन मैं याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस हो। ठीक, सो परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं ये ना करना चाहूँ, मैं नेट परचेज प्राइस देख दूँ तो एक ही बात, मतलब मुझे ये बताया जाए कि 10,000 की चीज़ है, 500 का ट्रेड डिस्काउंट है, मैं ये लिखूँ 9.5, उसका मतलब मैंने माइनस ही किया उस। ठीक, सो इन एनी केस इज अ ट्रेड डिस्काउंट माइनस। फिर कह रहे आप इस पर प्लस कर लो, क्या प्लस कर लो? एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक, एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, हम कह रहे हैं आप एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। ये दो की वर्ड है इस लाइन के अंदर, दो की वर्ड स्टैंडर्ड यूज करा है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी। इसका मतलब ये होता है जो कि रेलिवेंट है, जो कि हुआ ही इसलिए चूंकि आपने एसेट परचेज किया या कंस्ट्रक्ट किया। अगर आप एसेट परचेज या कंस्ट्रक्ट ना करते तो ये एक्सपेंस नहीं था होना, इसका मतलब है ये नेसेसरी थी। नेसेसरी मीन उसकी वजह से हुआ, एसेट खरीदने की वजह से हुआ। ठीक, दूसरा है टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। तो जैसे ही एसेट ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये होता है, ये ऑपरेटिंग कंडीशन है, इन रनिंग ऑपरेशन नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये कहें कि एसेट जो है वो अगस्त में ऑपरेटिंग कंडीशन में था लेकिन एंटिटी ने उसको नवंबर से इस्तेमाल करना शुरू किया, अब अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी कुछ खर्चे आए हैं, क्या वो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे? तो हम कह रहे हैं बिल्कुल, स्टैंड कहते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि एसेट ऑपरेटिंग कंडीशन में कब आ चुका था? अगस्त में। आपने उसको नवंबर से शुरू कर इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 3 माह के अगर उस पर कोई खर्चा आए तो वो भी उसके कॉस्ट में ऐड हो जाए। जैसे ही एसेट ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाए, दैट इज द पॉइंट, उसके बाद वाले खर्चे आपने उसकी कॉस्ट में इनिशियल मेजरमेंट में शामिल नहीं करना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में एग्जामिनर अक्सर टेस्ट करता है कि आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेंस देगा जिसमें आपने अपनी जजमेंट यूज करनी है, अपनी फहम को इस्तेमाल करते हुए कि क्या ये जरूरी था कि नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शामिल होंगे कॉस्ट? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो पहले भी हो रहे थे। अगर एसेट ना भी खरीदते ना भी कंस्ट्रक्ट करते वो पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे, देयर वाज नॉट नेसेसरी। ठीक, ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? होगा जी। क्यों होगा? मतलब आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड किया ताकि वो एसेट इस्तेमाल कर सके, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? जी सर, नहीं होगा। कितने लोगों का ख्याल होगा? क्यों होगा जी? कौन? वो तो एम्प्लॉयज है ना, एसेट तो वर्किंग कंडीशन में है, आपके एम्प्लॉयज उस कंडीशन में नहीं कि वो एसेट को यूज कर सके। नहीं, वो तो आपका मसला है ना, एसेट का मसला तो नहीं है। देखिए आप, मैं आपको, आप गाड़ी ले जाएंगे घर पर, आपको चलानी नहीं आती, आप सोचते हैं महीना मैं ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करूंगा, 7-8 हज़ार रुपये फी भरूंगा, फिर गाड़ी लेकर निकलूंगा। आप मुझे बताएं वो पैसे आपने अपने पे खर्चे के गाड़ी पे खर्चे, तो आप उसको गाड़ी की कॉस्ट में ऐड करेंगे? आप कल को बेचने जाए, हम कह जी मैं 10 लाख दीती थी, 10,000 रुपये मैं ट्रेनिंग पे लाया थी, तो 10,000 वो ही लाना था, तक हो गया पाए ना, अपने तो लाया, मेरे गड्डी तो थोड़ी लाया।
गेटिंग द पॉइंट। पेपर में ये एक बड़ा नॉर्मल रिपीट में एग्जामिनर साहब इंक्लूड कर देते, कह ना आप 50,000 रुपये हमने इनकर किए, खर्च किए एम्प्लाइज को ट्रेंड करने में ताकि वो प्लांट यूज कर सके। अब एग्जामिनर जो है वो इसको शामिल कर देता है जनाब के जी ये इतने पैसे एम्प्लाइज की ट्रेनिंग पे लगे ताकि वो प्लांट को प्रॉपरली यूज कर सके। अब स्टूडेंट जो है वो उसको एसएल की कॉस्ट में ऐड कर देते, ठीक। अब वो आपने बिल्कुल शामिल नहीं कर, आपने एक बात अपनी जेन में अटैच कर लेनी है हमेशा के लिए, और वो है कि किसी भी किस्म की, इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, किसी भी किस्म की ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकती, यानी कि एसेट नहीं बन सकती, ठीक। यह आपने याद रखना, किसी भी किस्म की ट्रेनिंग, एग्जामिनर उल्टा खड़ा हो जाए ना एग्जाम में सर के बल, वो आपको कन्विंस कर रहा होगा भाई एसेट ही है, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, हमने एम्प्लाइज को ट्रेन किया है, फलां हो गया, अब वो बड़ा अच्छा काम करेंगे, कस्टमर पहले से भी ज्यादा आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको ये साबित कर रहा होगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, आपने उसकी एक भी सुनी। ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती, उसको एसेट नहीं बनाते। देखिए आप एक बात याद रखें कि आपने जब कहा कि पीपी एक एसेट है, अब आप ये याद रखें कि ये एक, जस्ट विजुअलाइज इट एज ए पूल, ये एक पूल है पीपीई का। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये एसेट है। अब अगर आप इसमें कोई एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे इस पूल के अंदर, तो वो क्या होना चाहिए, वो भी एसेट होना चाहिए, उसकी नेचर सेम होनी चाहिए। इस पूल के अंदर आप पीपी का जो पूल आपने जिसको नाम दिया जी, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये व्हीकल है। अब गाड़ी आपने खरीदी 10 लाख की, अब आप खर्चे कर रहे हैं उस गाड़ी पे, अब उस 10 लाख में अगर आप कोई चीज प्लस करेंगे, उसको भी ये रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, वो अपनी इंडिविजुअल हैसियत में भी एसेट होना चाहिए। देखिए आप एक क्लब बना रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जनाब, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट खरीदा, आपने कहा जी हमने 10 लाख का खरीद लिया, तो हमने कहा जी परचेज प्राइस है उसकी 10 लाख या 10 रुपये। अब हम कहते हैं जनाब उस पर फर्दर खर्चे किए हमने, क्या खर्चे किए, हम कहते हैं जनाब इस पर हमने इंस्टॉलेशन की प्लांट की और इस पर 2 रुपये लग, ठीक। अब हम कहते हैं इंस्टॉलेशन जो है आपको ठक याद है, आपको बड़ी अच्छी तरह, जमा दो इंस्टॉलेशन ऐड हो जाएगी। अब आपसे पूछो क्यों ऐड किया, तुम कह दें ये नेसेसरी थी, इसके बगैर प्लांट ने चलना ही नहीं था, उसे बेनिफिट लेने के लिए जरूरी था कि हम उसको इंस्टॉल करते प्रॉपरली फिर उसने चलना। लेकिन अगर आप इस 2 को अलहदा से देखें और मैं इसकी एंट्री करूं, तो एंट्री क्या कर रहा हूं मैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट डेबिट टू कैश 2 रुपीज। अब मैं कहूँगा ये 2 रुपये एसेट है या एक्सपेंस है, ये जो 2 रुपये आपने खर्चे हैं कैश में स्पेंड किए हैं आपने, ये 2 रुपये को इंडिविजुअल हैसियत में देखें ये एसेट है, तो हम कहते हैं बिल्कुल है, चूंकि इस इंस्टॉलेशन की कॉस्ट के बेनिफिट उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक प्लांट चल रहा है, समझ आ रही बात। अगर आप इसको प्लांट से लेदा भी कर दें इस इंस्टॉलेशन कॉस्ट को, ठीक, आप कहें यार ये 2 रुपये एसेट है या एक्सपेंस है, ये जो 2 रुपये आपने खर्चे हैं कैश में रिडक्शन आई है, डेबिट आपने इंस्टॉलेशन को कर दिया। आप सिंपली इंस्टॉलेशन की बात करें, हम प्लांट से इसको अलहदा कर लेते, क्या इंस्टॉलेशन पे जो 2 रुपये खर्चे हैं इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे बिल्कुल आएंगे। ये कब तक आएंगे, जब तक प्लांट के बेनिफिट आते थे, तो क्यों ना इसको प्लांट के पूल में डाल दो। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, मतलब ये आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन, पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा पढ़ा होगा, याद होगा। तो IS1 में ये कहते हैं कि हम क्या करते हैं एग्रीगेशन में, कि जो इमटीरियल अमाउंट्स होते हैं उनको हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे अब मैं बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ इंस्टॉलेशन 2 रुपये, तो कोई अच्छी बात तो नहीं, 2-2 रुपये का हिसाब क्या रख रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सारे छोटे छोटे खर्चे मेन पूल जिसके साथ इनका ताल्लुक है उसमें क्लब किए जा सकते, लेकिन जब मैं इनको क्लब करूंगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखा, सादा सी बात है कि जब मैं लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में से, जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रेनिंग कॉस्ट है जी 10 रुपये,
इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 2 रुपये। तो ट्रेनिंग कॉस्ट को इस पूल में डाल। नहीं डाल, क्यों? क्योंकि ये एसेट है, इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल ही नहीं है। जिन लोगों को आपने ट्रेंड किया वो किसी भी वक्त आपको छोड़ के जा सकते, इंप्लाइज को ट्रेंड किया है ना आपने, तो इस 10 रुपए के फायदे क्या आते रहेंगे आपको साला सा? तो कुछ नहीं है, इसलिए ये एसेट फैमिली के साथ इकट्ठा नहीं होगा। अब चूंकि इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा देर तक नहीं आने, और बल्कि आने ही नहीं, प्रोबेबल ही नहीं है हमारे पास, तो हम इसको किस फैमिली में ले जाएंगे? एक्सपेंस फैमिली में ले जाएंगे, कंज्यूम हो गया ये। अब ये 2 रुपए की इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है, इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कब तक आएंगे? तो हम कहते हैं उस वक्त तक आएंगे जब तक हम प्लांट को यूज करें जिसको हमने इंस्टॉल किया, तो क्यों ना हम इसको उसी में ऐड कर दें। इसको मैं अलहदा से एसेट भी शो कर सकता था, ठीक, 2 रुपये अलहदा से बैलेंस शीट में ले जाते, लेकिन हमने कहा यार वो आई एस बाद में एक कंसेप्ट है मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन, उसके तहत मैं इसको एक मेन हेड के अंदर क्लब कर लेता हूँ, एग्रीगेट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, प्लांट के साथ ही इसको एक उसी कॉन्सेप्ट की बेस पे IS-16 आपको ये कह रहा है कि जब हम पीपी की कॉस्ट डिटरमिन करते हैं तो कॉस्ट मींस परचेज प्राइस प्लस एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या कहें, तो हम कह रहे हैं जनाब नंबर वन शुरू हो जाए जनाब। जी सर, एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन, क्या क्या एग्जाम्पल? वो तो हमने कर ली, आगे कैरेजिन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक, और कस्टम ड्यूटी पेड, इन रिकवरेबल, आगे जी टेस्ट रन, नेट कॉस्ट, नेट टेस्टिंग कॉस्ट, आगे जनाब कंसल्टेंसी, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चार्जेस, वो आखिर पे बात करेंगे, वो आखिरी कॉस्ट कंपोनेंट पे बात। और जनाब रिफंडेबल टैक्सेस आएंगे? जी सर, क्यों नहीं आएंगे रिफंडेबल टैक्सेस, क्यों नहीं ऐड होंगे कॉस्ट बाद में? सॉरी, रिफंड हो जाने बाद, इसका मतलब वो कॉस्ट आई नहीं हमारे, रिफंड हो जाएंगे। टेस्टिंग कॉस्ट, इसमें मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नेट टेस्टिंग कॉस्ट। पेपर में आपने याद रखना है कि एग्जामिनर आपसे ये कहे कि हमने एक प्लांट खरीदा और उसको टेस्ट करने पे हमारे 10,000 रुपये लग गए, और उसकी टेस्टिंग के दौरान जो हमने प्रोडक्ट बनाई वो एज ए स्क्रैप 4,000 रुपये की बिकी। अब आप कितना कैपिटलाइज करेंगे? 6,000, ये याद रखना, दैट्स अ 6,000 टू बी कैपिटलाइज। इसको हम कहते हैं नेट टेस्टिंग कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट सारी की सारी नहीं, आप अगर पेपर में आ जाए इस तरह कि आपने प्लांट को टेस्ट किया उस पे इतने पैसे लगे, और टेस्टिंग के दौरान जो हमें प्रोडक्ट मिली है वो हमने मार्केट में एज ए बी पेयर बेच दिए और उसके हमें इतने पैसे मिल गए, तो अब आप 10 पूरी टेस्टिंग कॉस्ट नहीं, नेट टेस्टिंग कॉस्ट, ठीक, वो आपने ऐड कर, ठीक। अब इसके अंदर जनाब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं F1 के अंदर, FR1 के अंदर, जो इंट्रो में हमने इग्नोर की, ठीक। अब नाउ इज इज गोइंग टू ऐड वन मोर थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज रेस्टोरेशन कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रेस्टोरेशन कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। IS-16 ये कहता है कि जनाब अगर आपने कोई ऐसा प्लांट या कोई ऐसा एसेट परचेज किया विच रिक्वायर डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, मतलब आपने एक प्लांट खरीदा, जैसे हम इसकी एग्जांपल बनाए, हम कहें जी ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट, ठीक, निकला तो नहीं हमारे मुल्क में ऑयल, बड़ी देर लग रहे, वो निकला ही नहीं बाहर, लेकिन प्लांट लगा एक्सट्रैक्शन कर लिया जी हमने ऑयल की, पूरा प्लांट लगा लिया वहाँ पर सी के अंदर। अब नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज को ये कहती है कि जी आप ये एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा रहे हैं तो जब आप यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इस जगह को आपने बिल्कुल वैसे ही करके जाना है जैसी आज है प्लांट लगाने से पहले, ताकि ये बाद में आने जाने वाले शिप्स के लिए हैजर्ड ना बन जाए, या आबी हयात जो है उसके लिए ये हैजर्ड ना बन, इसको आपने इस जगह को बिल्कुल वैसे ही करके जाना है जैसे ये आज है प्लांट लगाने से
पहले, ये ज्यादातर इधर इस सेक्टर में आती है और माइनिंग सेक्टर में आती है, कि जो कंपनीज माइनिंग करती हैं, पत्थर निकाल रही हैं या कोयला निकाल रहे हैं, तो आपने देखा जैसे जैसे पत्थर वो कोयला निकालते हैं तो जमीन जो है वो वहां से जैसे खोखली होती जाती है, और अगर वो माइनिंग करके वहां से वैसे ही आ जाए तो वो जगह लोगों के लिए हैजर्ड बन जाती है, तो कोई जाएगा वहां पे चलता पैदा पता लगे उसकी कब्र वहीं पे बन गई, मौत हो जाती है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये कहती है जी ये आप जगह माइनिंग करेंगे और जब माइनिंग आप कर लेंगे तो फिर इस जगह को आपने बिल्कुल प्रॉपर सेफ दोबारा वैसे ही करके जाना है कि ये हैजर्ड ना बने, खतरा ना बने लोगों के लिए। इसको हम कहते हैं रेस्टोरेशन कॉस्ट। अब ये कब इनकर होगी, कब होगी, ये फ्यूचर में इनकर होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्लांट, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट आज टुडे, ठीक, मैं खरीदता हूँ जी प्लांट, हमने ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट ले लिया, हमने आज खरीदा, पता लगा कितने का लगा जी, तो जनाब 100 मिलियन डॉलर का लग गया, 100 मिलियन डॉलर लग गया जनाब इसके ऊपर, प्लांट लगाने पे 100 मिलियन डॉलर। गवर्नमेंट ने हमें NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक्सट्रैक्ट करने का ऑयल सिर्फ इस कंडीशन पे दिया है कि जब हम अपने ऑपरेशंस ख़त्म कर लेंगे, ऑयल यहाँ से पूरा निकाल लेंगे, तो ये इस प्लांट को यहाँ से डिसमेंटल भी करना है, ये नहीं कि यहाँ पे लगा छोड़ जाएंगे, यहाँ से इसको आपने ख़त्म करके जाना, यानी कि इस जगह को आपने रीस्टोर करके जाना। अब फॉर एग्जाम्पल हम एस्टिमेट करते हैं कि ये प्लांट जो है 10 साल चलेगा, 10 साल हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, और 10 ईयर्स के बाद जब हमारे ऑपरेशन यहाँ से ख़त्म हो गए, एस्टिमेशन है हमारा, ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि अगर मैं ये करूँ कि 1 साल एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, 10वां साल जब ख़त्म होगा तो हमारा एस्टिमेशन ये है कि हम इस प्लांट को डिसमेंटल करेंगे। अब जिससे आपने प्लांट इंस्टॉल करवाया उससे आप एस्टिमेट भी ले सकते हैं कि यार इसको यहाँ से ख़त्म करोगे तो कितने पैसे लोगे, तो वो आपको बताएगा जी 10 साल बाद मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल 60 मिलियन डॉलर लूंगा इसको डिसमेंटल करने, आफ्टर 10 ईयर्स वो आपको कोट कर देता है कि यार 10 साल बाद जब आपने डिसमेंटल कराना है तो हम ही कर देंगे आपको डिसमेंटल, 60 मिलियन लेंगे हम आपसे, ठीक। अब IS-16 ये कहता है कि ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है चाहे ये फ्यूचर में इनकर होगी, इट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ इनिशियल मेजरमेंट। हालांकि ये फ्यूचर कॉस्ट है, ये 10 साल बाद होगी, लेकिन एसेट को ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने के लिए इस ऑब्लिगेशन को इज्यूम करना जरूरी था, इट इज नेसेसरी, इसके बगैर गवर्नमेंट ने आपको अलाउ ही नहीं करना, ठीक। अगर आप कहें जी हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन भी नहीं होगी, फिर प्लांट इंस्टॉल भी नहीं होगा। बिफोर द इंस्टॉलेशन यू हैव टू गिव योर कंसेंट कि जनाब बिल्कुल हम इसको डिसमेंटल भी करके जाएंगे, ठीक। तो IS-16 ये कहता है कि अगर एसेट की नेचर ऐसी है विच रिक्वायर्स डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि फिर जो आपका एस्टिमेट है डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, इट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द एसेट, यानी कि उस 60 को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये 60 पे ही शामिल हो गए, IS-16 37 में दो तीन स्टैंडर्ड बाद आप याद रखें, 16 ही है, कहते जनाब इट शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश, ये 60 मिलियन पे नहीं होगा, ये 60 मिलियन की जो आज प्रेजेंट वैल्यू बनती है उस पर आपने इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग 15% है, 15% है, तो मैं क्या करूँगा 60 × 1/(1+R)/10 इसको सॉल्व करूँ, यानी कि अगर हम ये कहें तो ये क्या बना 60 × 1/(1.15)/10, अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या आता है ना, कैलकुलेट करें तो प्रेजेंट वैल्यू क्या, 15 पता ना आपको प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू, एवरीवन नोज व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू, दिस आर फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, फोर्टीन पॉइंट एट थ्री इज द प्रेजेंट वैल्यू, सब देख लेंगे यही आती,
यही है जी सर। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? तो हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू सर ये है कि अगर 14.83 आज टुडे मैं इन्वेस्ट कर दूं 15% पे, तो 10 साल बाद ये 60 मिलियन होंगे एट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 15%। यही फ्यूचर वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला आपको पता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r पावर n, एंड वेयर इज द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 + r पावर n। यही फार्मूला रीअरेंज हो रहा होगा, ये आपने पढ़ा होगा अपने इनिशियल पेपर्स के अंदर। कौन से पेपर में आता है? QM में आता है। ठीक हो गया। सो इट शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं अगर आपसे कहूं यार इसकी जरा डबल एंट्री करें, प्लांट हमने 100 मिलियन का खरीदा जिस पर फ्यूचर में डिसबेंडिंग कॉस्ट लगेगी 60 मिलियन, इसकी आज डबल एंट्री क्या होगी? चलो जी करें। कौन करेगा? करें जी डबल एंट्री। नहीं, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कितने से हो जाएगा? कैश आपका लग गया 100, या आ गई 14.83, तो इट इज 114.83। क्या किया हमने? डिसमेंटलिंग कॉस्ट को प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। किस पे ऐड कर दिया? एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। ये आपको डिस्काउंट रेट जो है 15% 12% ये एग्जाम में गिवन हो, तो आपने ये इसको नहीं ढूंढना कि ये कितना, ये आपको गिवन होगा। सो 10% 12% 15% इतना ही हो। तो आपने क्या करना है जी? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो इफ द नेचर ऑफ द एसेट इज सच दैट इट रिक्वायर्स डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, देन व्हाट इज द रूल? द डिसमेंटलिंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द एसेट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। उसको प्रेजेंट वैल्यू पे हमने एड कर दिया। अब अगर आप इसको देखें तो क्या होगा जनाब? एसेट जो है प्लांट कितने सालों पे डेप्रिसिएट होगा? मैंने एस्टिमेशन है हमारी कि ये 10 साल चलेगा। इसका मतलब है एसेट 10 सालों पे डेप्रिसिएट होगा। सपोज यूजफुल लाइफ इसकी 10 साल है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? हम कहते हैं जी इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 11.483। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन 11.483। ये कब हो रही होगी एंट्री? तो हम कहते हैं इट विल बी एट 31st दिसंबर एट द एंड ऑफ द ईयर 1। डेप्रिसिएशन आपने ले ली। अब एक और चीज जो नहीं है वो याद रखनी है। जब 1 साल गुजरेगा तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो आपकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ये पहले कितने साल बाद थी जब आपने इनिशियली रिकग्नाइज की? 10 साल बाद। अब 1 साल गुजरने के बाद ये कितने साल बाद होगी? 9 years। इसका मतलब है 1 साल गुजर गया। जब 1 साल गुजरेगा तो यहाँ फार्मूले में आपने n पहले कितना लिया? 10। अब कितना होगा n? इसका मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। उस इंक्रीज को भी आपने रिकॉर्ड कर एट द ईयर एंड वी हैव टू रिकॉर्ड दैट इंक्रीज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक, अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम उसको? कितने से इंक्रीज होगी? तो हम सिंपली इसका 15% ले लेंगे, 14.83 का 15% ले लेंगे। हर साल ये 15% से बढ़ना शुरू होगा क्योंकि आपने 15% से इसको डिक्रीज किया ना, तो इंक्रीज करेंगे इसका 15% क्या? सॉरी 17.05 इंक्रीज हो गए। डिफरेंस कितना है? 2.95। तो आपने एंट्री करनी है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटल 2 पॉइंट कितना था? 2 पॉइंट डबल 2.22।
ये क्या एंट्री है? ये एंट्री आपने याद रखनी है, तो ओके, ये पेपर में आती है, फ्रीक्वेंटली आती है। ठीक, ये क्या रिकॉर्ड कर रही है? इट्स इज रिकॉर्डिंग द इंक्रीज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। अब इसको अगर आप घर में जाके एक प्रैक्टिस करेंगे कि इसको हर साल बढ़ाते जाएंगे, तो ये 10वें साल के एंड पे कितने पे खड़ी होगी? 60 पे खड़ी होगी। अगले साल आप किसका 10% 15% लेंगे? 14.83 प्लस 2.2 करके उसका 15%, फिर उससे साल उससे आगे 15%। आप घर जाके जब 10 सालों पे इसको आगे लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द 10th ईयर ये आप ऑटोमेटिकली किस पे आ गई होगी? 60 पे आ गई। सो इसको हम इंक्रीज क्यों करते हैं? तुम कहते हैं बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ टाइम। पहले ये 10 साल बाद थी, अब ये 9 साल बाद है। एक साल और गुजरेगा तो 8 साल बाद, एक साल और गुजरेगा। अगर हम फॉर्मूला देखें तो फ्यूचर वैल्यू किसके बराबर होती है? तो हमने कहा जी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r पावर n। अब अगर आप देखें इस फॉर्मूले के अंदर क्लियरली इंडिकेशन ये है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस इंटरेस्ट का होता है। अगर आप प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू कम होगा, जब प्रेजेंट वैल्यू में आएंगे तो उसमें से आपने इंटरेस्ट निकाला होगा। या अगर आप प्रेजेंट वैल्यू को बढ़ा के फ्यूचर वैल्यू में लेके जाएंगे तो एक्चुअली आप उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट ऐड कर रहे होते हैं उसके। इस फॉर्मूले से यही सीखा है ना हमने कि अगर 100 रुपये आज हम 15% पे इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद कितने होंगे? तो हम कहते हैं बड़ा सादा सा काम है, 100 रुपये अगर 5 सालों के लिए 10% पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 100 इज द प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 10% पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ। ठीक, और अगर हम फ्यूचर वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो हम कहें जी अगर मुझे फ्यूचर में 500 रुपये चाहिए और आजकल प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट 10% है, तो मुझे 5 साल बाद 500 रुपया चाहिए, तो मुझे बताओ मैं आज कितने इन्वेस्ट करूं? इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू। तो इन एनी केस अगर आप इसको सोचें तो कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के दरमियानी फासले को इंटरेस्ट कहते हैं। इट इज एन इंटरेस्ट, ऐसे ही। इसलिए जब हम रिकॉर्ड करते हैं इसका इंक्रीज तो हम किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं? इंटरेस्ट अकाउंट। इट इज एक्चुअली द इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। ये एंट्री याद रखें कि पेपर में आनी। ठीक, अगर आपको पेपर में पीपी की नेचर ये आएगी इनिशियल मेजरमेंट कि उसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, तो फिर आप ये याद रखें ये दूसरी एंट्री बाय डिफॉल्ट अटैच है उसके साथ। वो एग्जामिनर कहे या ना कहे, आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर एग्जामिनर साहब ने 2017 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा रहा है और 2017 के शुरू में उसने प्लांट लगाया जो कोई डिसमेंटल होगा आफ्टर 5 और 6 ईयर, उसने कुछ भी नहीं कहा, तो आपको एक एंट्री आपको पता है किसमें शामिल होगी। क्योंकि जब आप ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लेंगे 2017 के, तो आपको डिसमेंटलिंग कॉस्ट को इनक्रीज करना ही करना है, क्योंकि एक साल जो है वो गुजर गया है। तो क्वेश्चन हमेशा साइलेंट होगा इस एंट्री के बारे में, आपने ये याद रखना। एग्जामिनर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जनाब बिकॉज 1 ईयर हैज बीन लैप्ड देयर विल बी एन इंक्रीज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और हमें ईयर एंड में डेप्रिसिएशन की एंट्री के साथ ये एंट्री करनी ही करनी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। अब अगर आप देखें कि हम यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ईयर 1 के एंड पे, तो नॉन करंट एसेट में प्लांट कितने पे आएगा? तो हम कहते हैं प्लांट की कैरिंग वैल्यू क्या आएगी? कहते हैं इट विल बी 114.83 माइनस 11.483। ये बैलेंस शीट में इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटल, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो हम कहते हैं इट विल बी 14.83 प्लस 2.22। ये बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू आएगी, किसकी? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, क्योंकि आपने उसको क्रेडिट किया ना। पहली एंट्री आपने क्या की? आपने एंट्री की प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का अकाउंट क्या है? लाइबिलिटी है, इट इज क्रेडिट 14.83। ईयर एंड पे आपने उसको फर्दर क्रेडिट किया है कितने से? 2.22 से।
तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, 14.83 प्लस 2.22, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। पीएनएल में क्या आ रहा होगा, तो हम कहते हैं पीएनएल में दो चीजें आ रही होंगी, एक डेप्रिसिएशन 11.483 और एक इंटरेस्ट 2.22, दोनों एक्सपेंस बन 14.83 डेप्रिसिएशन एंड 2.22 इज एन इंटरेस्ट। ऐसे मतलब प्लांट अकाउंट को डेबिट नहीं करना, प्लांट तो ऑपरेटिंग कंडीशन में आ गए। लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा, हमने कहा जी कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, उन्होंने कहा जी एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। तो जब आपने एसेट इंस्टॉल किया, आपने ज्यूम किया ऑब्लिगेशन, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 14.83, अब ऑपरेशन में आ गया, अब उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर हो रही है ना, तो वो तो कॉस्ट में नहीं जा सकती, वो तो इनिशियल मेजरमेंट में नहीं जाएगी, तो प्लांट अकाउंट इज नॉट गोइंग टू बी डेबिट विद इट। इसकी एंट्री क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, इसको हम कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ द लायबिलिटी। क्या कहते हैं हम इसको, अनवाइंडिंग ऑफ द लायबिलिटी। ये एंट्री बार बार आने वाली, ये 16 में आई है, ये हम पढ़ेंगे आगे IFRS 15 उसमें भी आएगी, ये बार बार आएगी अब आपके पास, इसलिए इसको अभी आज आप अच्छी तरह से ग्रैब करें। ये क्या कर रही है एंट्री, ये एंट्री रिकॉर्ड कर रही है इंक्रीज इन द, इंक्रीज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू में इंक्रीज क्यों आ रहा नहीं यार, ऐसे तो नहीं लेते, चूंकि टाइम गुजर रहा है, ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा प्रेजेंट वैल्यू में क्या आता जाएगा, इंक्रीज, उस इंक्रीज को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एंट्री क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, ये एंट्री बार बार आने वाली है, 16 में आई है, ये IFRS 15 में भी आएगी, दोबारा आएगी, बार बार आएगी और एग्जाम में बिल्कुल आएगी, याद रखना ये एंट्री एग्जाम में जरूर होगी आपके पास, 16 में नहीं हुई तो IFRS 15 में हुई, लेकिन ये होगी जरूर, ठीक। तो ये याद रखनी है एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, ठीक, इंक्रीज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम। अब अगर मैं ये कहूं कि आपको एंट्री करनी पड़ जाए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम, तो क्या एंट्री होगी, अगर आपको इंक्रीज रिकॉर्ड करना हो इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम, क्या एंट्री होगी, देखें ये एंट्री क्या रिकॉर्ड कर रही है, तो कहते ये रिकॉर्ड कर रही है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम, ठीक हो गया। अब मैं इसी लाइन को रिफ्रेज कर रहा हूं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू द पासिंग ऑफ टाइम, क्या एंट्री होगी, एसेट डेबिट इंटरेस्ट खत्म होगी, दुबई वर्षा होगी। इसी तरह आपने कॉमन सेंस डेवलप करनी है, एक बात पे जैसे मैं आपको कल बता रहा था, एक बात के ऊपर उसको देखते हैं कि इसकी होलिस्टिक एप्लीकेशन क्या होगी, अपना दिमाग खोलना है, ये नहीं आया फंस ही जाना, मैंने आया एंट्री की है ऐसे ही सोची जा रही, उसको सोचो क्या अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हो क्या रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, बस इसका मतलब लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, और वैल्यू अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ऑपोजिट साइड पर या एसेट बढ़ता है या एक्सपेंस बढ़ता है, स्टोरी खत्म। अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज आए तो दूसरी साइड पे क्या हो रहा होगा, यहां तो एक्सपेंस होगा, अगर एक्सपेंस नहीं है तो फिर किसी एसेट में इंक्रीज आया होगा, तीसरी कोई गल ही नहीं है, समझ आ रही है बात। तो बेसिक जैसे मैं आपको कल समझा रहा था, जब भी कोई नई एंट्री आप पढ़े तो ये ना सोचे वो एक नई चीज हम कर रहे हैं, बेसिकली बात वही है जो हम पहले सीखाए, उसी चीज की एप्लीकेशन हो रही होती है एक नए सिनेरियो के अंदर, वही चीज बार बार अप्लाई हो रही होती है एक नई ट्रांजैक्शन में, नए इवेंट के अंदर, रूल प्रिंसिपल वही रहते हैं। आपने अपने आप को यह बताना होता है कि इस नए सिचुएशन में हमने कौन सा प्रिंसिपल दोबारा अप्लाई किया, फिर वो याद रहेगी, फिर वो आपके जेहन में स्टक कर जाएगी। लेकिन अगर आप इसको लेंगे यार आज हमने एक नई एंट्री पढ़ ली, नई एंट्री नहीं पढ़ी, नई सिचुएशन समझी, दिस इज अ न्यू सिचुएशन,
ऐसा भी हो सकता है, इट्स नॉट अ न्यू एंट्री, इट्स अ न्यू सिचुएशन. यार सिचुएशन नहीं है लेकिन एक्चुअली एंट्री तो वही, रूल पुराने तो रूल तो पुराने ही चल रहे हैं. लाइबिलिटी में इंक्रीज रिकॉर्ड करना है, दूसरी साइड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना. यहां पर हमने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं हम, लाइबिलिटी जो है ये देखें, यहां पे लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, इसके ऑपोजिट साइड पे क्या हुआ, एसेट इंक्रीज हो, यही भी है ना. दूसरी एंट्री में हम लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस, यही होता है लाइबिलिटी जब भी बढ़ती. ठीक, सो आज हम बात ये करें, यहीं से हम आगे लेके चलेंगे. हम बात अभी थोड़ी सी यहाँ पे रोकते हैं, कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे. हम बात कर रहे हैं जी पीपी इनिशियली किस पे मैयर होंगे, तो हम बात कर रहे हैं जी ये कॉस्ट पे मैयर, जिस चीज से हम ऑलरेडी वाकिफ थे उसको हमने कहा जनाब इट इज कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन. आज हमने जिस चीज को, नई सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, वो क्या सिचुएशन है कि सम टाइम देर आर एसेट्स विच रिक्वायर डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. आई 16 रिक्वायर्स दैट डिसमेंटलिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज विद इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू. और दूसरी बात हमने ये की कि जब आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे तो हर गुजरते हुए साल के साथ उसकी वैल्यू में इंक्रीज आएगा, और उस इंक्रीज को भी हमने रिकॉर्ड करना है, और उसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, और ये इंटरेस्ट P&L में कैसे रिपोर्ट होगा, एज ए एक्सपेंस. तो ये आज के लेक्चर का जो नई चीज़ हमने बात की बाकी पुरानी चीज़ों के साथ, वो ये याद रहेगी बात. कल हम यहीं से आगे फर्दर एग्जाम्पल करेंगे, फर्दर इसको कनेक्ट करेंगे. ठीक, थैंक यू जनाब.